तो ये रहा अपना कटारमल का मेन गेट है, और यहाँ से अभी कटारमल मंदिर चलेंगे। और मेरे पीछे ये देखो जरा, चलो अभी मिलते हैं। एकमात्र स्थान सूर्य मंदिर, पूजा सामग्री उपलब्ध है। पैदल वॉक करके आ रहे नीचे से, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास होगा वॉक, है ना ये। बट रास्ता अच्छा बना हुआ है, जो रोड है वहाँ से आराम से, चढ़ाई नहीं है मगर थोड़ा सा ऐसे हल्का सा चढ़ाई है, तो आप यहाँ से आराम से आ सकते हो। मंदिर मेरे सामने दिख रहा है, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और आपको मंदिर की हिस्ट्री वगैरह पूरा, अगर वहाँ पे कोई होगा तो उनसे पूछ के बताएंगे, नहीं तो पढ़ के बता देंगे भाई। पर इतना मुझे बताया कि इस मंदिर में पूरे साल में 2 बार सूरज की रोशनी आती है। और ये है सामने से रास्ता, मंदिर यहाँ भरपूर है भाई, हैं। ये देखो इसे ऊपर से डराने की एक्टिंग पूरी करता है। मेरे हाथ पे प्रसाद है ना, तो इसलिए पीछे आ रहा है मेरे को लग रहा है। सामने सूर्य मंदिर कटारमल, ये एंट्री पॉइंट, ये आपको ऐसा दिखेगा सामने से। ये देखो इसका 360 दिखा देता हूँ। तो अभी आ चुके हैं हम कटारमल सूर्य मंदिर में, जो आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और अभी इस पूरी मंदिर की हिस्ट्री के बारे में हमारे साथ भैया, यहाँ के जो लोकल गाइड हैं, हरी सिंह मिस्टर। मैं यहीं का कटारमल का ही हूँ। अच्छा, ठीक। तो ये कुमाऊँ रीजन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। अच्छा, सूर्यदित्य का मंदिर। अच्छा, जिसे हम बटादित्य के नाम से भी जानते हैं। बटादित्य के नाम पर सूर्यदेव का ये पर्यायवाची शब्द बटादित्य। ठीक है, तो इस मंदिर का जो हम पुरातात्विक जो हमको अवशेष मिलते हैं उसके बारे में बात करने से पहले हम अपनी पौराणिक, अच्छा, उसमें इसका महत्व जान लेते हैं कि पौराणिक में क्या है। तो ये मंदिर है, हमको इसका स्थल सबसे पहले रामायण में मिलता है। अच्छा, रामायण में कब मिलता है? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। अच्छा, ठीक। तो हनुमान जी संजीवनी लेने गए। ठीक, हमें हर उसमें दिखता है, हर रामायण में दिखता है कि संजीवनी लेने हो गए। जब वो संजीवनी लेने गए तो उनको बीच में एक राक्षस रुकता है। अच्छा, कालनेमी नाम का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें दिखाते हैं कि वो कालनेमी नाम का राक्षस का वध कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन भासा टीका किताब है ये रामायण की, उसके 16 मानस खंड के 16 और 17 अध्याय में यहाँ का वर्णन मिलता है। तो वो कहते हैं उनको जो कालनेमी नाम का राक्षस होता है, हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं कि कालनेमी कौन था, क्या था। कालनेमी जो था वो रावण का वंशज था। अच्छा, और रावण के जितने भी वंशज थे वो शिव के बहुत बड़े उपासक थे। अच्छा, तो जो कालनेमी नाम का राक्षस था उसको ये वरदान था कि वो 2.5 कोस योजन चल के जलाभिषेक करेगा। अच्छा, किसका? महारुद्रेश्वर का। अच्छा, तो इससे ऊपर एक मंदिर है शिव मंदिर, इससे ऊपर। हाँ, कितनी दूर? अच्छा, इससे पैदल चल के पहाड़ से 1.5 किलोमीटर। अच्छा,
उसका वो जो शिवलिंग कहते हैं वो स्वयंभू बताते हैं, जो हमारा शिवलिंग है वो स्वयंभू बताते हैं। तो वहाँ जल अभिषेक हमको मिलते हैं 2.5 कोस की यूजन पे कोसी नदी, जिसे हम कोसकी नदी से भी जानते हैं। तो जब ऋषियों के आह्वान पर हनुमान जी रुके वहाँ, तो उन्होंने कहा कि जो राक्षस हमें बहुत तंग कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, हवन नहीं करने दे रहा है, उसको वरदान था कि उसको सूर्यदेव की पहली किरण के साथ ही मारा जा सकता था, लेकिन सूर्यदेव ने वहाँ पे स्थापित होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे सूर्यदेव हमको जो अभी समझ गया। जो हम मानते हैं कि सूर्यदेव चलाए मार, लेकिन यहाँ पे सूर्यदेव क्या है, स्थापित है, यहाँ पे अपने भक्तों के लिए 24 घंटे बैठे हैं कि कभी भी आओ अवेलेबल है। तो वो बोलते हैं कि यार कल सुबह तक तो हमें ये राक्षस मार देगा, अब तो हनुमान जी बोलते हैं आपको ये नहीं मारेगा, क्योंकि आपकी रक्षा के लिए ऊपर महायुद्धेश्वर है और यहाँ से 1.5 कोस की यूजन पर बिमोला गांव है, वहाँ तुंगेश्वरी माता है। अच्छा, तो इनके साथ से वो आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा, तो आप बटा देते की लकड़ी में सूर्यदेव का आह्वान कीजिए। अच्छा, तो उसके बाद वो आह्वान करते हैं, तब जाके माना जाता है कि यहाँ उस समय सूर्यदेव की पहली स्थापना हुई। अच्छा, मारने के लिए मतलब बटा देते में उनका आह्वान किया गया था। ये हमको त्रेता युग में मिलता है। अच्छा, ये पौराणिक कथा के साथ अब हम आ जाते हैं द्वापर में। पांडव उत्तराखंड में दो बार आए थे। हाँ, अच्छा, कब? एक जब वो महाभारत के युद्ध जीते थे, तो उनमें कुल हत्या का पाप लग गया था। हाँ, उनके ऊपर बहुत बड़ा पाप लग गया था, तो उनके उस कुल हत्या का पाप सिर्फ एक ही मिटा सकते थे, वो थे साक्षात महाशंकर शिव। अच्छा, जब शिव को जैसे ही पता चलता है कि पांडव आ रहे हैं मेरे से क्षमा याचना करने, तो वो कहते हैं नहीं ये अपराधी है। शिव कहते हैं ये अपराधी है, इन्होंने अपने पूरे कुल की हत्या की है। तो उस समय जो शिव थे वो काशी में थे, तो शिव आगे को चल दिए। तो कहता है कि उस समय भी शिव यहाँ आए थे, क्योंकि उसमें जितने भी पहाड़ है तरु में जितने भी शिव मंदिर टॉप में शिव वहाँ गए गए जहाँ गए। तो एर्दैन को जो पांडव ने उनको कहाँ पकड़ा था, केदारनाथ में, जिसकी आपको कथा तो पता ही होगी कि वहाँ क्या क्या हुआ था। ठीक, तो उस समय का मान सकते हैं कि ऊपर जो मंदिर है महाराष्ट्र, उसमें भी उसका वर्णन मिलता है कि पांडव तब आए थे। उसके बाद जब वो उसके लिए आए थे स्वर्ग की सीढ़िया को खोजने के लिए, तो वहाँ तक तो आए थे वो, तो यहाँ जितने भी पुण्य स्थान है तो वो गए थे। अब इसका जो हम पौराणिक कथाओं के हिसाब से मानते हैं, उसका एक और फैक्ट ये मान सकते हैं कि ये जो होल है यहाँ से सूरज की किरणें सीधे अंदर जाके गिरती है। इस होल से साल में सिर्फ दो बार, एक अक्टूबर के महीने में, एक जब दक्षिण से उत्तरायण की ओर जाता है और जब उत्तरायण से दक्षिण की ओर जाता है। ठीक, तो अब जब ये मानिए अक्टूबर में ही वो टाइम होता है जब रामायण होती है हमारे पास, उसी टाइम में युद्ध हुआ था जब रामलीलाएं होती, रामलीला ही होती, दशहरा होता था, तो उसी टाइम हनुमान जी आए थे। तो वो तिथि लगभग वही पड़ती है। अच्छा, मतलब दशहरे से एक दिन या दो दिन पहले पुराने के आप उसके हिसाब से चलोगे तो, क्योंकि वो अगर लॉजिकल भी है, तो आज भी सिर्फ उसी दिन में ही सूरज की किरण अंदर क्यों जा रही है। ठीक है, और एक 22 फरवरी को भी आपके यहाँ से दो साल में दो बार यहाँ पे सूरज, जैसे लेकिन हम उसको डेट फिक्स नहीं कर सकते, उसकी डेट जैसे पंडित जी एक पंचांग के हिसाब से, मतलब ये जो हमारे पंचांग होता है, जैसे हमारे ये नवरात्रि फिक्स नहीं होती ना कि इस डेट से इस डेट तक होंगी, तो इसका भी कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते। जो पंचांग निकलता है उसके हिसाब से उसकी डेट बता सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ये तो सवाल जी को बताया कि 119 में हमारा कौन सा मंडी टूटा था, कोणार्क। हाँ, कोणार्क। और जब अरब यहाँ आए थे, ठीक है, तो उसी जैसे हमारे इतिहास में एक अभ्रंश की चीज ये है, यहाँ जो लग रखा है बोर्ड, उसमें 13वीं शताब्दी को इसको बताते हैं कि सिर्फ इस वजह से आर्कोलॉजिकल जो बताते हैं, ये कहते हैं 13वीं शताब्दी का है। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे अवशेष दिखाऊंगा जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ये 8वीं या 9वीं शताब्दी का ही मंदिर है, पहले पुराना है। अब हम सबको 8वीं या 9वीं शताब्दी का बता रहे हैं, वो 13वीं शताब्दी का ये उन्होंने मतलब वो अपने प्रूफ्स के हिसाब से नागर शैली, क्योंकि ऊपर जो है इसकी नागर शैली बनाया है, ये नागर शैली है। तो मतलब आर्कोलॉजिकल बारे नागर शैली को देख के बता दें कि 13वीं शताब्दी का हो। नागर शैली के बारे में हम क्या जानते हैं, नागर शैली के बारे में हम ये जानते हैं कि नागर शैली का उद्गम हो गया था 5वीं शताब्दी में, और 13वीं शताब्दी में तो नागर शैली का अंत हो गया था। ठीक, और उसके बाद ये खुद लिखते हैं इनका कि ये कत्यूरी राजाओं ने बनाया था, कत्यूरी राजा जो था हमारे उत्तराखंड के वो थे। तो कत्यूरी राजाओं के कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि 12वीं शताब्दी में उनका अंत हो चुका था, और कुछ लिखते हैं 11वीं शताब्दी में अंत हो गया था। तो मतलब 13वीं शताब्दी में कैसे कत्यूरी राजा इसको बना सकते हैं, और ये फेमस भी कत्यूरी की वजह से, उनका मतलब कार्यकाल 1200 में खत्म हो गया था, वो कैसे बन सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये उससे पुराना मंदिर है, 8वीं शताब्दी का
ये टेंपल है अपना मंदिर। चलो अब हम थोड़ा अंदर जाएंगे, कैमरा ज्यादा अंदर तो होगा नहीं। हाँ। आपको अंदर की कुछ मैं ऐसी मूर्तियां दिखाऊंगा। हाँ। आपको पहले मैं वो जो हिस्टोरियन है हेमराज, इतिहासकार है हमारे, हाँ, और एएसआई के वो डायरेक्टर भी थे। अच्छा। उन्होंने अपनी किताब में, उनकी किताब पब्लिश हुई थी 1934 में, उस 1934 में अंदर की बहुत सारी मूर्तियां के बारे में उन्होंने अपना वर्णन देते हैं, जिनमें दिखाते हैं कि ये मूर्तियां थी। जैसे अब जो मुख्य मंदिर, अब आपको मैं ले जाना चाहूंगा जो अभी के जो मुख्य मंदिर है हमारे, ठीक है, कैमरा अलाउ नहीं हो पाएगा तो हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं पूरा कोशिश करूँगी आप समझ जाए। हाँ, ठीक है। ये देखिए, ये है मंदिर, ठीक, ये मंदिर, ठीक, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बहुत बाद में बना है। अच्छा, ये बाद में, ये पूरा बाद में बना है, सिर्फ ये मंदिर एकलौता मंदिर ये था। अच्छा, ये था इतना, ये यहाँ से इधर को, हाँ, यहाँ से इधर को जो एकलौता मंदिर ये था हमारा, ये एकलौता मंदिर था, ये एकलौता मंदिर था। ये मंदिर सबसे पहले निर्माण हुआ, और उसके बाद अलग अलग राजाओं ने अलग अलग शासन में अपने ये सारे मंदिर ये बनाए, छोटे छोटे मंदिर बनाए, छोटे छोटे मंदिर बनाए। अब कहते हैं सूर्य मंदिर के 64 खंड होते हैं। अच्छा, 64 खंड होते हैं सूर्य मंदिर के। यहाँ 45 मंदिर जो 45 मंदिर है हमको आज भी मिलते हैं, 45 में टोटल, हाँ, जो खड़े हैं, काउंट करके, हाँ, जो खड़े हैं, जो खड़े हैं। अब जैसे यहाँ पर हमको खुदा में आपको मिला था, अब आएंगे थोड़ा, ये हो सकता है ये एक दो तीन मंदिर हो, हाँ। ये हो सकता है ये पूरा एक मंदिर हो या फिर दो हो, लेकिन यहाँ पर मंदिर था। अच्छा, पहले यहाँ पे, यहाँ पर मंदिर था, इसका पूरा एक्सटेंशन, जैसे इतने सारे चक्र आपको दिखाते हैं, हाँ। आते रहिए, हाँ। ये सारी चक्र है ना, ये किसी ना किसी मंदिर के ऊपर के होंगे। अच्छा, हाँ। तो हम अच्छा, तो हम मान सकते हैं, ठीक है, कि 64 खंड रहे होंगे। अच्छा, मतलब ये या तो टूट के यहाँ पे गिरे हुए हैं साइड, क्योंकि जब पहले मंदिर, जब यहाँ आक्रमणकारी आए अच्छा, तो उन्होंने तोड़ा। अब आते हैं हम इस मंदिर के जो टॉप का शिखर है उसके इतिहास पे। अच्छा। कि कभी पूर्ण था या नहीं था, ये टोड़ा, ये टोड़ा गया कि दंत कथाओं में आप जानेंगे, दंत कथाओं में क्या क्या देते हैं, विदंती चला देते हैं ना कि ये एक रात में बना, तो ये ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता कि एक रात में बना, नहीं, ये एक विदंती चल गई तो ये चलती गई, नहीं, ये तो आर्ट ही ऐसे कि एक रात में बनी नहीं सकता। अब हमारा ये है कि ये शिखर हमारे पास गौरवपूर्ण था, ये पूर्ण था, इसके जो कुछ अवशेष हम अब भी मिलते हैं वो हम आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा, इस टॉप के है ना, मतलब इस टॉप, कॉन्ट्रैक्टर तो गए थे इसको लगा देते, बहुत अच्छा बड़ा पत्थर, इसको लगाने के लिए तो हमने कहा ये नहीं टूटेगा, ठीक है। अब आप इसका एक हिस्सा देखिए, अब मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा, जिससे ये तो सिद्ध लगभग हो ही जाएगा कि हाँ सिर्फ ये टॉप का एक होता है, सब चल रहे तो टॉप में ही लग सकता है। ये पत्थर देखिए आप, अच्छा, अब ये जैसे ये दीवार पर लग चुका है, ये उसी का पार्ट है। अच्छा, जो अभी हमने नीचे, हाँ, देखा, ठीक है, अब ये, हाँ, है, और इसके इसके इस साइड में दिखाओ जरा, ये मतलब सामने है पूरा, है ना, हाँ, पूरे जैसे वहाँ पे तीन त्रिशूल जैसा था, हाँ, इसमें दो, हाँ, है, मतलब ये जॉइंट, हाँ, है पूरा। अब सोचिए ये इतना ही इसके ऊपर से जो वो उसका एक सेट उठा है इसको उतना ही लंबा और ले लीजिए, तो यहाँ तक जाएगा। अब आप एक अज्यूम कर सकते हैं इसका रेडियस ले लीजिए पूरा, मतलब वो जो टूटा हुआ है और जो इतना हो गया, तो इतना लंबा हो गया, और एक जैसे चक्र बने हैं ये पूरे रेडियस में होगा, एकलौता ऐसा मंदिर है, उसके ऊपर इतना बड़ा, हाँ, उसके ऊपर होगा, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, जब हमारे देश में आक्रांत आए, अरब आए 119 में, अगर वो मंदिर टूटा है तो शायद 210 में यहाँ आ गए थे, ठीक है, तो उन्होंने ही इस मंदिर को तोड़ा गया है। उसके बाद उसके बाद इसको ना संरक्षण मिला है। अब देखो एएसआई वाले ने प्रोटेक्ट किया, लेकिन इस मंदिर को कब पूर्ण बनेगा, हम इसका गौरव पूर्ण इसको कब पूरा देखेंगे, इसका हमको इंतजार है कि एएसआई वाले इसमें कब मतलब अभी ये मतलब एएसआई वाले ने अपने अंदर तो ले रखा है। अच्छा, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हो। इस शैली को हम, ये शैली जैसे वास्तु शैली है, सबसे पहली शैली जहाँ से उद्गम मानते हैं हम। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की वास्तु शैली का। अच्छा, ये वास्तु शैली, अब ऐसी वास्तु शैली जैसे ये प्लेटफॉर्म बना है इसके अंदर भी है। अच्छा, ठीक, अब ये वो शैली हो गई, और ऊपर नागर शैली हो गई, ये नागर शैली है जो टॉप में बना, जो टॉप में बनी, हाँ, सर, जो मतलब वो छज्जा बना, हाँ, हो, तो हम ये कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी में आगे जब ये मंदिर रहा हो तो उन लोगों ने, हो सकता है इसका जीर्णोद्धार इसको पूरा बनाया हुआ अपनी शैली ऊपर दर्शाई कतियुरु ने कतियुरु ने कतियुरु तो ये फैक्ट है कि ये मंदिर 13वीं शताब्दी का ना हो गया
आठवीं या नवीं शताब्दी का। बाद में जैसे हमारे यहाँ अलग अलग राजों ने राज किया, जैसे चंद मंदिर कत्यूर है, तो उन्होंने इसका रेनोवेशन किया होगा, छोटे छोटे मंदिर बनाए, छोटे छोटे टेम्पल अपने अपनी शैली के हिसाब से बनाए होंगे। तो ये अपनी सारी नागर शैली जो ये वाली है, सब नागर ये सारी नागर शैली। इससे पहले की जैसे आपको मैंने आपको पहले बताया था कि अंदर कैमरा जाएगा नहीं, अंदर जो छोटी छोटी मूर्तियां होंगी वो सब यहाँ से रखी गई है। यहाँ से रखी, उन्होंने बताया था। अब हमको उस समय का ऐसा कुछ ऐसे निशान बनाया तो कुछ लिखा होता कि कौन सी मंदिर से हम कौन सी मूर्ति उठा रहे हैं, तो आज हमको उसके बारे में जानने के लिए बहुत इजीली रह सकता है। तो अभी ये पता नहीं है कि कौन से मंदिर से कौन सी मूर्ति उठाई गई है, अब जो, तो जो अंदर रखी हुई है। बिल्कुल, अब हम सिर्फ अज्यूम करके बताएंगे आपको, जैसे पांच मंदिर है, ठीक है ना, ये पांच मंदिर है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये शिव परिवार का मंदिर है, जिसने भी बनाया होगा शिव परिवार का, सिर्फ एक आधार पर जो ये है ये शिव की है। अब हम इसको शिव का कैसे मानते हैं, क्योंकि आपको अगर आप ज़ूम करके देंगे तो सर्प दिखेगा। हाँ जी, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब ये जो अंदर मूर्तियां रखी होंगी शिव परिवार का होगा। अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ इस आधार पर, क्योंकि शिव द्वारपाल किसके बने थे, सिर्फ शक्ति के, सिर्फ शक्ति के अलावा सिर्फ किसी के भी द्वारपाल। तो ये शक्ति माता, देखिए ये शक्ति माता, आप ये शिव का कह सकते हैं, शिव का। उसके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र है कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी। अब उसके बाद हम फिर से हमको एक और पॉइंट जो मिलता है ये गणेश जी का। हाँ, ये तो ऊपर गणेश जी का तो होगा ही होगा, क्योंकि गणेश जी जहाँ भी बैठते थे अपने गढ़ के सर मुझे किसान बैठे थे, ठीक है ना। और जो उनके द्वारपाल थे वो हमेशा मगरमच्छ पे रहते थे, ठीक है ना। तो ये एक हम इसके हिसाब से हमको ये एक जैसे कहानी बनाया, तो ये गणेश जी का मंदिर। अब ये आई उनकी अब बहन। अच्छा, ये यहाँ पर कार्तिकेय जी हैं, यहाँ सर्प नहीं है, ठीक है, क्योंकि कार्तिकेय जी रख सकते हैं इसके अशोक चंद्र की, जैसे हम शिव को मानते हैं ना, शिव की तीन पुत्रियां मानते हैं, लेकिन जो शिव और शक्ति के संगम मिलन से बनी उत्पन्न हुई थी वो थी अशोक सुंदरी, ठीक है ना। तो अशोक सुंदरी ही मंदिर हो सकता है, शिवजी के परिवार का ये बना है। अब हम आपको आते हैं अंदर की कुछ मूर्तियां दिखाएंगे, तो आप गेट तक कैमरा ला सकते हैं। आपको एक और मैं इसमें शैली दिखा सकता हूँ, उसमें आप कैमरा ला सकते हैं। अब जिस आधार पर कहते हैं कि नीचे प्लेटफॉर्म के आधार पर और ये छपाई, आप वो हो सकता है कि पुनर्वसता एक रेफरेंस ये रहा हो इस भाषा को, इस लिपि को। अच्छा, वो मानते हो कि ये 13वीं शताब्दी की लिपि है। अच्छा, ये भी ऐसे वाले इसमें जाँच कर रहे हैं, इसमें चल रहा है अभी शोध चल रहा है इसमें ऐसे वाले। अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी देवनागरी भी नहीं कह सकते आप, देवनागरी भी नहीं कह सकते। इसी 13वीं शताब्दी में ही हमारे भाषाओं का उद्गम हुआ था, तो इसलिए वो कहते थे कि 13वीं शताब्दी में आया। एक फन फैक्ट और बताता हूँ आपको, आजकल अगर आप वो स्माइली नहीं बनते हमारे जैसे, तो ये पूरा वैसा नहीं लग रहा कि ये किसी ने स्माइली बना के, मतलब दो आंखें दे रही है ऐसे, ये इमोजी सा बना रखा है, मतलब ये उस टाइम की पूरी लिखी हुई है ना। 13वीं शताब्दी में हम इसको ये कह सकते हैं कि आके शायद उसको यहाँ के बारे में उस समय कुछ गुड़ रहस्य मिल गए हो, तो उसने यहाँ ऐसा लिख दिया कि आके लोग पढ़े, तो हम इसको ये मान सकते हैं। तो आप एक कैमरा बंद करके हम थोड़ा अंदर आपको वैसे बता दूंगा, ठीक। चलो, अब एक कटार मल का सफर यहीं समाप्त होता है, और हिस्ट्री तो आपने देख ही ली होगी पूरी वीडियो में। चलो, बाकी मिलते हैं फिर।